कलर लगवाना है। तो हेयर कलर तो नहीं, आज मैं एक स्पेशल चीज़ करने वाली हूँ अपने बालों के साथ। अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे जी। वेलकम टू माई चैनल, वेलकम विद अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। तो यहाँ पे जनाब मैंने सुबह सुबह उठ के आज की है अलमारी सेट, सारी अलमारी की मैंने प्रॉपर सेटिंग की है। बच्चे घर में नहीं थे और मैं थी अकेली, तो मैंने पहले अलमारी को सेट किया है अच्छे तरीके से, और उसके बाद अब मैं जनाब आपको दिखाऊंगी कि मैंने इस वीक के लिए कौन से ड्रेसेस प्रेस किए हैं। ये सारे ड्रेसेस जो हैं लास्ट वीक पहने थे, इनको मैंने साइड पर रख दिया, तो आज आपके साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी। और मैंने नाश्ते में जो है ना, पहले मैंने सारी दराजें देखी कि मैं क्या खा सकती हूँ, क्या मेरे काम की कोई चीज़ है यहाँ पर, तो मुझे कोई भी चीज़ नहीं मिली। तो फाइनली मैंने अपना बेड सेट ठीक किया है, कमरा ठीक किया है, उसके बाद मैंने हस्बैंड को नाश्ता करवाया और उनको भेज दिया ऑफिस, और उसके बाद मैंने सोचा थोड़े से कपड़े थे वो वॉश कर लूँ, तो मैंने वॉश करके अभी यहाँ पे रखे हैं, इनको मैं स्प्रेड करूँगी। तो बच्चे जब चले जाते हैं ना, तो पहले तो मुझे फ़ील नहीं होता क्योंकि मैं चली जाती हूँ अपनी ऑफ़िस, मुझे तो छुट्टी नहीं होती, बच्चों को छुट्टी होती है, लेकिन आज जो है ना वो मैंने छुट्टी कर ली थी रेस्ट करने के लिए, लेकिन रेस्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि आँख खुल जाती है अपनी टाइमिंग पर, तो जैसे ही आँख खुलती है तो फिर काम तो करना है ना। तो बस ये कपड़े मैंने वॉश किए हैं, थोड़े से कपड़े थे मैंने सोचा वॉश कर दूँ, हस्बैंड के थे थोड़े से कपड़े, और पूरे हफ्ते की तैयारी करने के लिए मैंने ढेर सारे कपड़े किए प्रेस। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या प्रेस किया है। पहले मैंने ये ड्रेस प्रेस किया है एक अपना, इसके साथ वाइट शलवार है और प्रिंटेड शर्ट की तरह का ही दुपट्टा है, और काफ़ी खुला सा कुर्ता स्टिच हुआ हुआ है, ये इसका बॉर्डर जो है इसके चाक के साइड्स पे है। एक मैंने ये वाला ड्रेस प्रेस किया और एक मैंने ये अपना ब्रीजे का जोड़ा प्रेस किया है। आई लव दिस ड्रेस टू मच, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है। इसके साथ जो दुपट्टा है ना, आई कॉन्ट टेल यू वो कितना खूबसूरत है, ये मल्टी कलर की लाइनिंग वाला दुपट्टा है जी, तो ये इतना खूबसूरत है। ये ड्रेस मैंने प्रेस किया है एक, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ड्रेस है। एक ड्रेस मैंने ये प्रेस किया है, इसकी एम्ब्रॉयडरी मैंने खुद करवाई हुई है, इस तरह चाकों पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसकी, और गले पे भी हुई हुई है एम्ब्रॉयडरी, और ट्राउज़र पे भी हुई हुई है, और इसका दुपट्टा इसकी एम्ब्रॉयडरी से मैच करता हुआ है। ये इसका दुपट्टा है जनाब, इसी टाइप का, जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसी टाइप के कलर्स का दुपट्टा है इसका। एक ड्रेस ये प्रेस किया है, एक ड्रेस ये प्रेस किया है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये ड्रेस भी मेरा फेवरेट ड्रेस है। सारे नए नए ड्रेसेस जो मैंने एक एक बार पहने हैं सीज़न में, वो मैंने प्रेस कर ली हैं। बेसिकली इसका दुपट्टा इसके बॉर्डर की तरह का है, ये बॉर्डर वाले कलर्स हैं इसके अंदर, और ये मैंने छोटी ईद पे सिलाई करवाया था, सिर्फ एक बार पहना है। उसके बाद मैंने जनाब ये वाला ड्रेस लिया है, इसको प्रेस किया, ये मैंने कई अरसे से नहीं पहना, ये स्टिच ड्रेस लिया था मैंने जे डॉट से एक, इसके बॉर्डर पर सारी कढ़ाई हुई है और वैसे सिंपल है ऊपर से सारा। और एक ड्रेस मैंने ये किया है, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्ड ड्रेस ऑफ माइन, लेकिन मुझे इसका ये जो है ना प्रिंट बहुत खूबसूरत लगता है, इसकी शर्ट का प्रिंट बहुत प्यारा है। तो ये सारे ड्रेसेस मैंने हैंग कर ली हैं, तो अभी इनको ना मैं अलमारी में हैंग कर दूँगी जाकर, या अलमारी के बाहर कहीं भी जहाँ भी मुझे जगह सही लगेगी। सारे कपड़े मैंने यहाँ पर हैंग कर दिए हैं, ढेर सारे अभी यहाँ पर हैंग हो चुके हैं। हस्बैंड के भी काफ़ी ड्रेसेस प्रेस किए हैं, ये शलवार कमीज प्रेस किया है, और तीन चार शर्ट्स उनकी सेपरेट शर्ट्स थी वो सब प्रेस की हैं, फिर ये उनके पूरे ड्रेसेस थे वो प्रेस की हैं, और एक ये शलवार कमीज प्रेस किया है। तो हस्बैंड के भी ऑलमोस्ट एक वीक के कपड़े तो हो गए प्रेस, बच्चों का यूनिफॉर्म प्रेस किया है और बच्चों के बाकी कपड़े प्रेस हुए भी होते हैं, और कुछ कपड़े बच्चों के ये पड़े हुए हैं, तो इनको मैं जनाब तय करके अलमारी में रख दूँगी क्योंकि मैंने कल वॉश किए थे। एक मेरा ड्रेस अभी ये पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं अपने साथ ले जाऊँगी, बच्चों के पास जा रही हूँ तो मैं उनको इसको साथ ले जाऊँगी क्योंकि मैंने ना हेयर कलर लगवाना है। तो हेयर कलर तो नहीं, आज मैं एक स्पेशल चीज़ करने वाली हूँ अपने बालों के साथ, तो आपसे शेयर करूँगी, डोंट वरी। तो बस अब मैं ये प्रेस करूँगी ये वाले कपड़े, और इसके बाद मैं किचन में थोड़े से बर्तन हैं उनको वॉश करूँगी, बस ये थोड़े से बर्तन है, कूलर का ढक्कन वगैरह और ये सारा कुछ, ये इसको मैं वॉश करूँगी और चली जाऊँगी बच्चों के पास। बच्चों की कंप्लेंट्स भी आ रही हैं कि उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू किया हुआ, तो बस थोड़ी सी देर में बच्चों के पास चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। यही थी मेरी सुबह से रूटीन, मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया, एक जूस का ग्लास लिया था, और साथ में मैंने लिया है जनाब एक हाफ पराठा। तो बस यही मैंने नाश्ता किया है, आज बच्चों के कपड़े प्रेस तय कर दूँगी ये वाले, इन कपड़ों को तय करके अलमारी में रख जाऊँगी क्योंकि ये रूटीन में पहनने वाले घर के कपड़े हैं।
तो कभी कभी जो है ना वो प्रेस कर देती हूँ जब पहनने होते हैं साथ ही। नॉर्मली जो है ना ये जब कहीं जाते हैं तो फिर इनके कपड़े जो है ना वो मैं इकट्ठे न्यू वाले, जैसे ये न्यू ड्रेस है तो इसको मैं प्रेस करके लटका दूँगी। जो न्यू ड्रेसेस होते हैं उनको मैं प्रेस कर देती हूँ, जो थोड़े से ओल्ड होते हैं उनको मैं जब ज़रूरत होती है तो फिर प्रेस करके उनको दे देती हूँ। अच्छा, जब मेरी नई शादी हुई थी ना तो मैं अकेली ऐसे कभी भी नहीं रहती थी, मेरे हस्बैंड मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाते थे, वो मुझे मम्मी के घर तरफ छोड़ देते थे। अभी बच्चे हैं तो आज मैंने वैसे छुट्टी किया है तो मैं इधर हूँ, वरना मैं अपने बच्चों के पास ही होती हूँ, बच्चे होते हैं और मैं बच्चों को बहुत मिस कर रही हूँ, इसलिए मैं बस जा रही हूँ उनके पास ही, क्योंकि बच्चों के साथ रहने की मुझे आदत पड़ गई है और बच्चे तो घर की रौनक होते हैं ना जी। अल्लाह ताला जिनके पास औलाद नहीं है उन सबको भी औलाद अदा करे, दुआ कीजिए सब जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन सबको औलाद दे, आमीन। और वैसे बच्चे तंग बहुत करते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन नॉर्मली जो है ना बच्चे जो हैं घर की रौनक होते हैं, बच्चों के साथ ही सारी अटैचमेंट होती है, अच्छा अच्छा फीलिंग आती रहती है, बच्चे घर में होते हैं तो रौनक सी लगती है। तो बस सभी बच्चों के कपड़े तय करके उनको प्रेस मैं नहीं कर रही, क्योंकि मैंने उनका एक एक स्मार्ट मिस प्रेस कर दिया है और एक एक यूनिफॉर्म प्रेस कर दिया उनका, तो बस यही काफ़ी है। तो आज शाम में अगर उन्होंने कुछ पहनना होगा या कल संडे में तो वो मैं उन्हें प्रेस करके दे दूँगी। तो अभी चलते हैं जी, ये थोड़े से बर्तन वॉश करते हैं, ये कपड़े प्रेस करके रखते हैं और फिर चलते हैं बच्चों के पास। जी मेरा बर्तन धुल चुके हैं बिल्कुल, सिंक मैंने साफ़ कर दिया है, किचन वैसे मेरा नीट एंड क्लीन है, कपड़े भी मैंने तय लगा के रख दिए हैं तो अभी उनको अलमारी में रखूँगी और चलते हैं जी बच्चों के पास। बच्चों के पास जाने से पहले मुझे अब ये लैपटॉप बैग भी लेके जाना होगा और ये टू हैवी है, मुझे समझ नहीं आ रही कि, और बस चले जाएंगे। कपड़ों को मैं उठा लेती हूँ अलमारी में रखने के लिए। ये जनाब कपड़े मैंने उठा लिए और इनको मैं लेके जाऊँगी अलमारी में। बच्चों के पास आके मैंने क्या क्या किया, खाना छाना में क्या बनाया और उसके अलावा जो सरप्राइज़ मैंने आपसे शेयर करना था उसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। मम्मा के बालों का कल ऐसे आया।